आप लोगों को मेजरमेंट करना है कि खिड़की का साइज लंबाई चौड़ाई कितना बनाना है आप लोगों को। अगर उस साइज में बनाना है तो आप लोग चैनल बने रहे, हम आपको लोगों को बताने वाले हैं कि खिड़की का साइज को कैसे बनाते हैं, ठीक है, खिड़की वाला कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो मान लीजिए दोस्तों, अगर हम लोगों को 22 इंच लंबाई इसका बनाना है, जैसे ये 22 इंच है, आप लोग देख सकते हैं। अगर लंबाई आप लोगों को 22 इंच बनाना है तो क्या करें, सबसे पहले आइए बता देते हैं। तो लफर को 2 इंच फालतू ही रखिएगा, 22 इंच से कम से कम 2 फीट का काटिएगा। अगर 22 इंच का अगर पला बनाना है आप लोगों को तो ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग बता दो, मैं यहाँ पे एक लकीर पार के रखा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। तो ये सबसे इधर वाले पे रखना है, ठीक है, और इस साइड आपको 22 लगा लेना है, ठीक है, बार बार 22 लगा लेना है। और 22 लगाने के बाद दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ से आप लोग आधे इंच या 5 फुट छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद छोड़ने के बाद जितना लकड़ी का ये मोटाई होता है, जितना आप लोग ये नाप सकते हैं कितना है, 2 इंच 5 फुट आप लोग देख सकते हैं। तो ये लकड़ी का मोटाई नाप लेना है, ठीक है, और जितना लकड़ी का लेंथ होगा, मोटाई होगा, ठीक है, चौड़ाई होगा, जितना नाप लेना उसको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। 2 इंच 5 फुट था तो ये 2 इंच 5 फुट लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद इधर से ऊपर से छोड़ देना है, इसको 5 फुट छोड़ देना है, ठीक है। 5 फुट के छोड़ने के बाद इसी तरह इस साइड भी करना है आपको, जैसे कि ये है, आप लोगों को 2 इंच 5 फुट इस साइड छोड़ देना है, ठीक है, और 5 फुट यहाँ पर छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद दोस्तों क्या करना है, इसमें गुनिया मार देना है चारों तरफ बढ़िया से, ठीक है, इसमें गुनिया चलाना है। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे हम लोग मार दिए इसको, ठीक है, आप लोगों को समझाने के लिए आप लोगों को। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, तीनों लकीर पे आप लोगों को गुनिया से रख के निशान लगा लेना है, ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसको दोस्तों बता देता हूँ कैसे इसको रखना भी है। तो ये जो निशान वाला है और ये एक निशान है, दोनों ऐसे चिपका लेना है, ठीक है, ऐसे रखिए, रख दीजिए। और फिर जैसे कि ये पला है तो एक निशान उस तरफ जा रहा है तो एक इस तरफ जा रहा है, क्योंकि इस तरह ही रखना पड़ता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों को, पला लगाने में दिक्कत हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसको ऐसे लंबाई चौड़ाई ऐसे हिसाब लगाते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, इसको 10 के भरे जैसे ये 10 निशान लगाए, इस तरफ से इसको निशान लगा लेना है, ठीक है, ऐसे में निशान लगा लेना है। और फिर निशान लगाने के बाद इसे ऊपर से भी निशान लगा लेना है इसको, ठीक है, ताकि सुराख होगा। और सुराख होने के बाद इसको निकाल लेना है, ठीक है। और अगर दोस्तों, और ये तो हो गया लंबाई, अगर चौड़ाई बनाना होगा तो मैं बताते हैं, चौड़ाई बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं आप लोगों को। तो जैसे ये लकर देख रहे हैं आप लोग, डबल पली का लकर है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक सेकंड। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को अगर 31 इंची अगर चौड़ाई बनाना होगा, अगर डबल पले का 31 इंची चौड़ाई बनाना होगा तो उसमें अगर 5 फुट आप लोग अलग से ऐड कीजिएगा, आधे इंची 5 फुट अलग से ऐड कीजिएगा, ठीक है, तो 31 इंची 5 फुट हो जाएगा। 31 इंची 5 फुट का आप लोगों को अधिया करना है, उसको आधा कितना होगा, ठीक है, तो 15 इंची 5 फुट उसका आधा होगा, तो 15 इंची 5 फुट इसको बनाना है, ठीक है। फिर इसको बनाने के लिए हम बता देते हैं कि जो पता फाड़ता है उसके लिए 5 फुट स्पेस दिया जाता है, और रंधा लगाने के लिए भी दिया जाता है। तो इसको लकड़ का नाप लेके चौड़ाई कितना है, 2 इंच 5 फुट है। तो इसको क्या करेंगे, लकड़ का चौड़ाई नापने के बाद 2 इंच 5 फुट आप लोगों को इस साइड छोड़ देना है, ठीक है, दो साइड 2 इंच 5 फुट इस साइड आपको भगा देना है, ठीक है। अगर चौड़ाई बनाना होगा तो ऐसे ही बनाइएगा, जो कि यति बनता है, खुर्जी बन चूर बनता है, ठीक है, चूर बनाने के लिए। तो आप लोग 2 इंच 5 फुट इधर भगा लेना है, और 2 इंच 5 फुट और 2 इंच 5 फुट आप लोग जोड़ लीजिएगा कितना होता है, 5.5 इंची होता है, ठीक है, तो 5.5 इंच भी लगा लेना है, ठीक है। और हम लोग को चौड़ाई बनाना था 31 इंची, और उसमें 5 फुट ऐड करना था पताम के लिए, ठीक है, 5 फुट हो गया ये, ठीक है। और इसके बाद इसको क्या करना है, आप लोग को इस पर गुनिया मार देना है, ठीक है, चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, इस पर गुनिया मार लेना है, ठीक है। अगर पले का चौड़ाई अगर कितना भी बना रहे हैं, अगर 20 इंची अगर पले का चौड़ाई बना रहे हैं, तो अगर डबल पला है तो डबल पले में क्या करें, 5 फुट अलग से ऐड करें, जो कि पताम बनता है, ठीक है। तो अगर 20 इंची है तो हो गया आपका 20 इंच 5 फुट हो जाएगा, तो 20 इंची 5 फुट का आप लोगों को अधिया कर लेना है, ठीक है, कितना होगा, 10 इंची 2.5 फुट होगा, तो 10 इंची 2.5 फुट लगाना है, जो कि मैं बताया हूँ आप लोगों को। तो 10 इंची 2.5 फुट बनाने के लिए लकड़ का पहले ये चौड़ाई नाप लीजिएगा, जितना होगा इस तरफ इसको भगा के, ठीक है, उसको डबल कर लेना है कि कितना हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ निशान लगाने के बाद चौड़ाई आपको 10 इंची 2.5 फुट आ रहा था, तो वहाँ पर निशान लगा लेना है, ठीक है, मैं एक बात बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ऐसे निशान लगाने के बाद आप लोग क्या करना है, ऐसे में निशान लगा लेना है, ठीक है, देखिए बता देते हैं, इस साइड निशान लगा लेना है और इस साइड भी निशान लगा लेना है, ठीक है। और निशान लगाने के बाद ऐसे ही सब में निशान लगा लेंगे, ऐसे ही सब में निशान लगा लेंगे, और इसमें अड्डी जो होता है अड्डी चला लेंगे बीचों बीच एकदम, और उसके बाद इसको आराम से दोनों तरफ से निकाल लेंगे, ठीक है, और उसमें भी बना लेंगे, छेदा कर लेंगे,
आराम से आपका एकदम साइज में बनेगा, कोई कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों।